नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 10 प्रकाश, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन, इस पाठ में हम लोग परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी किस तरह से वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, इन सब का चिन्ह क्या लिया जाएगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, उसको सीखेंगे। तो दोस्तों, ये मान लीजिए एक दर्पण है, इसको हमने ऐसे एक दर्पण बनाया, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है। आप सभी को इसके पहले हमने बताया था कि ये दर्पण में इस बिंदु को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी ध्रुव, ध्रुव के नाम से जानते हैं। और मान लीजिए ये वक्रता केंद्र सी है, मान लीजिए ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस दूरी है, फोकस है, पॉइंट एफ है। अब वस्तु को सपोज आप लोग मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, इस वस्तु को हम बोलेंगे ए बी, ठीक है। अब अगर प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता है, इधर ऐसे, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो कोई भी दूरी को हम लोग ध्रुव से काउंट करते हैं। अब इसको यहाँ से ऐसे कंसीडर करेंगे हम लोग, ऐसे मान लेंगे, और ये फोर पार्ट, कौन सा, इस साइड में मुख्य अक्ष पे जो दूरी होगी उसको धनात्मक, और लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ जो दूरी होगी ऋणात्मक होगी। तो वस्तु दूरी होगी पी बी, ध्रुव से बिंदु बी तक, ये ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो माइनस यू हम लोग राइट करेंगे। इसी तरह से प्रतिबिंब दूरी को पी से काउंट करोगे तो पी बी डैश ये भी नेगेटिव होगा। अगर प्रतिबिंब इस दर्पण के लेफ्ट साइड में बनता है, यानी ध्रुव के लेफ्ट में बनता है, तो हम लोग उसको ऋणात्मक काउंट करेंगे। अगर इस ध्रुव के दाहिनी तरफ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो उसको हम धनात्मक काउंट करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हो पी से सी, यानी वक्रता त्रिज्या इस दर्पण के लिए पी सी, ये भी निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ध्रुव से बाईं तरफ है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं कैसे फोर पार्ट, ये एक्स 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 डैश वाई वाई डैश इस तरह से होता है, तो इस साइड में जो एक्स एक्सिस पे दूरी होती है उसको धनात्मक, और ये ओरिजिन है यानी मूल बिंदु, इसके लेफ्ट साइड में जो दूरी होती है ऋणात्मक, इस एक्स एक्स डैश के ऊपर की तरफ जो भी दूरी होती है उसको धनात्मक, और नीचे की तरफ जो दूरी होगी उसको ऋणात्मक लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर वस्तु की हाइट ऊंचाई एच है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है, तो आप देख पा रहे हो कि मुख्य एक्सिस के या मुख्य अक्ष के जो ऊपर है उसको धनात्मक, मीन्स ए बी धनात्मक काउंट करेंगे, और ए डैश बी डैश इसको ऋणात्मक हम लोग गिनेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण के सूत्र में वस्तु दूरी,
प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच एक समीकरण होता है, एक संबंध होता है, जिसको इस तरह से दर्शाते हैं, एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ। इसके बाद इसमें आता है प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आवर्धन। प्रतिबिंब के आवर्धन को M से डिनोट किया जाता है। M बराबर होता है वस्तु, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। इस तरह से इसके लिए सूत्र होता है h बराबर h डैश बटे में h। ये प्रतिबिंब के आवर्धन के लिए फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।